हेलो गाइस, व्हाट्सअप गाइस। आज का वीडियो ग्रामर रिलेटेड वीडियो है। इसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ काउंटेबल नाउंस, और उसके बाद हम पढ़ेंगे नॉन काउंटेबल नाउंस। सो गाइस, इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, इफ यू आर न्यू हियर सो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ अवर रेगुलर वीडियोज़। Share it if you like it and also make comment. Okay, दोस्तों, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे countable nouns के बारे में। So countable nouns, दरअसल countable जो है ये बना है count word से, count और able। Count यानी कि गिनना और able यानी कि योग्य। So countable का मतलब हो जाता है गिनने योग्य, यानी कि ऐसे शब्द, ऐसे noun जिनको गिना जा सकता है। ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकते हैं, यानी कि एक भी हो सकते हैं और अनेक भी हो सकते हैं। तो अगर आप बिल्कुल बेसिक हैं तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हैं, इसको ध्यान से पढ़िए दोस्तों। जैसे कि पेन है, कंप्यूटर है, बॉटल, स्पून यानी कि चम्मच जिसको बोलते हैं, ये सिंगुलर अभी हम नाउन बता रहे हैं, डेस्क है, कप है, टेलीविज़न, चेयर, शू, फिंगर, फ्लावर, कैमरा, स्टिक, बैलून, बुक, टेबल, कॉम एक्सेट्रा। तो ये जो हमने भी पढ़े हैं ये काउंटेबल नाउंस हैं, इनको हम पढ़ सकते हैं सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी। वैसे ये जो नाउन है ये सिंगुलर है, अगर आपको इनका प्लूरल बनाना है तो आप जितने भी नाउन मैंने यहाँ पे दिए हैं आप उसमें सिंपली एक एस लेटर जो है वो ऐड कर दें। जैसे कि अगर हम देखिए इन सब में ऐड करते हैं तो देखिए ये क्या बन जाते हैं, पेन बन जाता है पेन्स, कंप्यूटर बन जाता है कंप्यूटर्स, बॉटल बन जाएगा बॉटल्स यानी कि बोतलें, स्पून बन जाता है स्पून्स, डेस्क बन जाता है डेस्क। इसका एस थोड़ा सा इसके साथ मिक्स हो जाता है, इसलिए अलग से एस हम साउंड यहाँ पे पता नहीं चलेगा, तो डेस्क डेस्क ही रहेगा लेकिन एस ज़रूर ऐड करेंगे। कप बिकम्स कप्स, टेलीविजन बिकम्स टेलीविजन्स, चेयर बिकम्स चेयर्स, फिंगर बिकम्स fingers, shoes become shoes, flower becomes flowers, camera बन जाएगा cameras और stick बन जाएगी sticks। उसके बाद में balloon becomes balloons, book becomes books और table बन जाएगा tables, और जो कंघी है यानी कि comb उसको हम बोलेंगे combs यानी कि कंघियाँ। अच्छा guys, मैं इसका अब use बताता हूँ। ये जो हमारे countable nouns हैं ये कुछ एक्सप्रेशन है, जैसे कि अ फ्यू है, फ्यू है, मैनी, सम, एवरी, ईच, दीज एंड जो और भी नंबर होते हैं उनके साथ में हम इन नाउंस को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अ फ्यू पेन्स यानी कुछ पेन, अ फ्यू कंप्यूटर्स यानी कुछ कंप्यूटर्स, मैनी बॉटल्स बहुत सारी बोतलें, सम स्पूंस यानी कुछ चम्मच, एवरी डेस्क यानी कि हर एक डेस्क, ईच कप हर एक कप, दीज टेलीविजन्स, द नंबर ऑफ द चेयर, अ फ्यू शूज, अ फ्यू फिंगर्स, मैनी फ्लावर्स, सम कैमराज, एवरी स्टिक, और इसी तरीके से जो मैंने आगे दिए हैं इन सबको हम यहाँ पे इन एक्सप्रेशन के साथ में ये नाउन हम ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इन नाउन्स को गाइज हम आर्टिकल के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। आर्टिकल जो यानी कि हमारे ए, एन और दा होते हैं, इसके बारे में मैंने भी एक वीडियो बनाई है, वो भी आप देख सकते हैं, उसको स्टडी कर सकते हैं। जैसे कि अ पेन यानी कि एक पेन, द कंप्यूटर्स यानी किसी खास कंप्यूटर की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम, अ बॉटल, द स्पून, अ डेस्क, द कप, अ टेलीविजन, अ चेयर, अ शू, द फिंगर, अ फ्लावर, द कैमरा, अ स्टिक, और जो आगे मैंने नाउन दिया जैसे कि द बैलून है, अ बुक है, द टेबल है, अ कॉम एक्सेट्रा, इनके साथ भी हम ऐसे ही आर्टिकल यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें एक सावधानी ये हमें बरतनी पड़ेगी कि इसका यूज़ जो है हम मच के साथ बिल्कुल नहीं लेंगे। अगर आप मच के साथ यूज़ करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, ये नाउन अनकाउंटेबल्स नहीं होगा, ये फिर आ जाएगा हमारा नॉन काउंटेबल सेक्शन में। अभी जैसे कि आप बोलते हैं पेन्स को, पेन्स यानी कि बहुत सारे पेन, अगर आप उसमें लगाते हैं मच पेन्स तो ये गलत हो जाएगा, या आप बोलते हैं मच कंप्यूटर्स ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब बारी आती है हमारे नॉन काउंटेबल्स नाउन को स्टडी करने की।
तो चलिए दोस्तों, पहले हम नन काउंटेबल्स नाउन को समझ लेते हैं, इसकी हिंदी मीनिंग और इसकी एक्सप्लेनेशन यानी कि व्याख्या समझ लेते हैं। नन काउंटेबल्स नाउन यानी कि ऐसे नाउन जिनको नहीं गिना जा सकता। नन यानी कि यहाँ पे नेगेटिव एक्सप्रेशन उत्पन्न कर रहा है। नन यानी कि नन का मतलब होता है नॉट, काउंट यानी कि हम पहले बता चुके काउंट का मतलब होता है गिनना, और नाउन्स यानी कि संज्ञा यानी कि नाम। तो ऐसे नाम जिनको गिना नहीं जा सकता, द नाउन्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड, दे यूजली एक्सप्रेस अ ग्रुप ऑफ टाइप। ये जो काउंटेबल नाउन्स होते हैं, ये ग्रुप जो है एक समूह को प्रकट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं कुछ ऐसे नाम आपको बताता हूँ जो जिनको गिना नहीं जा सकता है। जैसे कि वाटर, क्या आप वाटर को गिन सकते हैं? पानी को आप गिन सकते हैं? इम्पॉसिबल, पानी को नहीं गिना जा सकता। इसलिए वाटर जो है हम इसको नन काउंटेबल्स की सेक्शन में लेके आएंगे। ऐसे ही वुड, वुड यानी लकड़ी को कहते हैं, लकड़ी को भी नहीं गिना जा सकता। और वैसे ही आइस, मैंने जो एग्जांपल दिए हैं इसको ध्यान से देखिए, आइस है, उसके बाद में एयर है यानी कि हवा, फिर है ऑक्सीजन यानी कि जो हम सांस में लेते हैं ऑक्सीजन, वो भी नहीं गिनी जा सकती है। इंग्लिश, अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो आप कोई भी भाषा नहीं गिन सकते हैं। उसके बाद में स्पैनिश, ये भी एक भाषा है। ट्रैफिक, जो ट्रैफिक होता है यानी कि जो भीड़ भाड़ यातायात जो होता है, उसको भी नहीं गिन सकते हैं। फर्नीचर, मिल्क यानी कि दूध, यानी कि वाइन शराब, और शुगर, शक्कर भी हम नहीं गिन सकते हैं। राइस हैं, चावल, इनको भी नहीं गिनना पॉसिबल नहीं होता है, और ना ही हम गिनते हैं इसको। तो हम वज़न में लेके आते हैं, कहीं से भी लेते हैं ख़रीदते हैं। तो राइस के बाद है मीट, फ्लोर, सॉकर ये एक गेम है। और उससे पहले मैंने बताया था मीट हम गिन के लेके नहीं आते, हम तौल के लेके आते हैं, वज़न करके लेके आते हैं वेट के हिसाब से। उसके बाद सनशाइन यानी कि धूप, इनको नहीं गिना जा सकता। तो दोस्तों, जो मैंने एग्जांपल दिए हैं, एग्जांपल नाउन्स दिए हैं, इनको बहुत अच्छे से स्टडी करना, इनको हम गिन नहीं सकते। और आप भी कुछ ऐसे नाउन्स लिख सकते हैं हिंदी में, इंग्लिश में, और अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़ सकते हैं। अच्छा, ये जो नाउन होते हैं, नन काउंटेबल नाउन्स जो होते हैं, हम इन्हें बिना आर्टिकल के भी यूज़ कर सकते हैं। बस ये डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट के ऊपर, सेंटेंस का जो कॉन्टेक्स्ट होता है उस पर डिपेंड करता है। अब जैसे कि शुगर इज़ स्वीट, शक्कर मीठी होती है, सनशाइन इज़ ब्यूटीफुल, जो सूरज की रोशनी होती है काफ़ी खूबसूरत होती है, आई ड्रिंक मिल्क, मैं दूध पीता हूँ, ही ईट्स राइस, वो चावल खाता है, वी वॉच सॉकर टुगेदर, और हम एक साथ सॉकर का गेम देखते हैं, द वुड इज़ बर्निंग, और लकड़ियाँ जल रही हैं। तो इन्हें हम जो है बिना आर्टिकल के भी यूज़ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके गाइज, अब मैं बताता हूँ इसको कि हम इसे किन किन एक्सप्रेशन के साथ यूज़ कर सकते हैं। इसको हम जैसे कि सम है, एनी है, एनफ है, दिस दैट और मच के साथ इसको हम प्रयोग में ला सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम मैंने कुछ सेंटेंस एग्जांपल दिए हैं, इसको स्टडी कर लेते हैं। आपकी ये सेंटेंस स्पोकन इंग्लिश में भी काम आएंगे। वी एट सम राइस एंड मिल्क, यानी हमने कुछ चावल और दूध पिया, हमने कुछ चावल खाए थे और दूध पिया था। आई होप टू सी सम सनशाइन टूडे, मुझे उम्मीद है कि आज कुछ रोशनी दिखेगी। दिस मील इज़ गुड, ये खाना अच्छा है। शी डज नॉट स्पीक मच स्पैनिश, वो बहुत ज़्यादा इंग्लिश स्पैनिश लैंग्वेज नहीं बोलती है। अगला ये एक क्वेश्चन है, डू यू सी एनी ट्रैफिक ऑन द रोड, क्या आपको कोई रोड पे ट्रैफिक दिख रहा है। दैट वाइन इज़ वेरी ओल्ड, वो शराब बहुत पुरानी है। अच्छा दोस्तों, इसमें भी हमें एक सावधानी बरतनी पड़ेगी, इसमें भी हमें ये सावधानी बरतनी पड़ेगी कि जैसे कि कुछ वर्ड हैं, कुछ एक्सप्रेशन हैं, जैसे कि दीज है, दोज है, एवरी, ईच, ईदर, और इनके साथ में ये जो हमारे नन काउंटेबल्स प्रोनाउंस हैं, नन काउंटेबल्स नाउंस हैं, इनको यूज़ नहीं करना है, इनके साथ में ऐड नहीं करना, वरना सेंटेंस आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। ओके गाइज, दोस्तों जाते जाते मैं आपके लिए एक क्विज छोड़ के जा रहा हूँ। इस क्विज में मैं आपके लिए कुछ नाउंस छोड़ कर जा रहा हूँ, इन नाउंस में से आपको मुझे नन काउंटेबल नाउंस छांट के देने हैं। इसमें से नन काउंटेबल नाउंस पिक करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। तो गाइज, आपको लेसन कैसा लगा है ये भी लिख के बताइएगा। मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।
है।